कायस्थ रत्न लौह पुरुष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय श्री कैलाश सारंग की प्रथम पुण्यतिथि पर सभी चित्रांश बंधु एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बस स्टैंड चौराहे पर किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भाजपा नेता एवं कायस्थ बंधु ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें वरिष्ठ भाजपा नेता किशोर रमानी, सुरेश श्रीवास्तव एडवोकेट एवं राधा कृष्ण आडवाणी प्रमुख रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण सारंग जी की भारतवर्ष के समस्त कायस्थ समाज को संगठित करने में अहम भूमिका रही है। समाज को एक सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया, साथ ही वे भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ रहे, जिन्होंने हमेशा पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही स्वर्गीय सारंग का रायसेन जिले से विशेष लगाव रहा और बरेली क्षेत्र में सारंग जी द्वारा विशेष कार्य भी किए गए, जिनको आज भी सराहा जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में किशोर रमानी, एडवोकेट सुरेश श्रीवास्तव, विक्की सोनी, प्रकाश पटेल, नवीन रमानी, कमल किशोर गौर, मनोज देवनानी, विजय देवनानी, अमन शर्मा एवं कायस्थ बंधु में राजीव श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, विकास खरे, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, राघवेंद्र श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित रहे। पुण्यतिथि है, पिछले आज ही के दिन उनका देवलोक गमन हुआ था। उनका रायसेन जिले से बहुत अटूट संबंध रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभिक दौर जब जनसंघ हुआ करता था, उस दौरान चार पार्टी के स्तंभ रहे हैं, माननीय सुंदरलाल जी पटवा जो मुख्यमंत्री रहे और संगठन की जो कमान थी वो सारंग जी के हाथ में थी। तो ऐसे सभी लोगों के तालमेल से आज भारतीय जनता पार्टी शिखर पर है। ऐसे पार्टी के महापुरुष, पार्टी को खड़ा करने वाले आदरणीय सारंग जी को हम याद करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं।